एक पॉइंट और रह गया, वो मैं बता देता हूँ, फिर अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लेना। वो आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी टॉपिक है, सारा फिजिक्स है, इसलिए मैं इतना कोई डीप में नहीं जा रहा इसके। मतलब इनकी रीजंस भी होती है सबकी, रीजंस आई गेस आप लोगों को पता होनी चाहिए, नहीं पता तो सर्च कर लेना। सिंपल डॉट सेम वेक्टर में लोगे तो एंगल 0 डिग्री होता है, दैट्स व्हाई पूरा 1 के बराबर है। बहरहाल तो एक और टॉपिक आपने पढ़ा था प्रोजेक्शन का, अब इसकी भी बाकायदा आपने फेस में पूरी डायग्राम पढ़ी थी, सॉल्व किया था, तो उसमें मैं नहीं जा रहा। जो असल फॉर्मूला है जो आप निकालोगे वो ये है कि अगर आपको प्रोजेक्शन निकालनी हो ए वेक्टर की ऑन बी, बी के ऊपर निकालनी है, तो बहुत बेसिक फॉर्मूला है इसका, ए डॉट बी का यूनिट वेक्टर। कहने का मतलब ये कि आप इसमें ए वेक्टर कंसीडर करोगे, उसका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे बी के यूनिट वेक्टर के साथ, अगर आपको प्रोजेक्शन निकालनी है ए की बी के ऊपर। और अगर सवाल ये हो जाए कि आपने प्रोजेक्शन निकालनी है बी की ए के ऊपर, तो अब फॉर्मूला बन जाएगा बी डॉट ए का यूनिट वेक्टर, जिसके ऊपर आपने निकालनी होती है ना उसका यूनिट वेक्टर कंसीडर करते हो आप, ये पूरा फॉर्मूला बन जाएगा। अब लेट कर लो एग्जाम में आपके पास आ जाए ए और बी वेक्टर आपको दे दें और आपको बोला जाए कि आप प्रोजेक्शन निकालो ए की बी के ऊपर, तो आपने बस क्या करना है, सबसे पहले आपने बी का यूनिट वेक्टर मालूम करना है, जैसे यूनिट वेक्टर आ जाएगा उसका डॉट प्रोडक्ट मालूम कर लेना ए के साथ, तो आपके पास प्रोजेक्शन आ जाएगी, कोई नंबर आ रहा होगा वो। इसी तरह अगर आपको बी की ए के ऊपर निकालनी है तो आप ए का यूनिट वेक्टर निकालना, उसका डॉट प्रोडक्ट ले लेना बी के साथ। अच्छा जी ठीक है भैया, ये इतने ही पॉइंट्स हैं जो ज्यादातर आते हैं, बाकी जब एमसीक्यू जब करेंगे या कोई मिस हो गया होगा पॉइंट तो वहां पे कवर हो जाएगा। कोई सवाल है यहां तक पूछ लो, अदरवाइज का स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हमने बात की थी कि जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन तो अच्छा वर्ड नहीं है, मल्टीप्लिकेशन जो है वो दो तरीके की है, एक तो स्केलर प्रोडक्ट है और दूसरी क्या होती है वेक्टर प्रोडक्ट, जिसका दूसरा नाम भी रखा हुआ है क्रॉस प्रोडक्ट, वो सिंबल की वजह से है, असल जो इसका नाम है वो वेक्टर प्रोडक्ट है। अब वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई ये वेक्टर्स के दरमियान ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसके रिजल्ट में आपको एक वेक्टर मिल रहा होता है, कोई स्केलर नहीं मिलता, कोई नंबर नहीं मिलता, एक वेक्टर मिल रहा होता है। सर यूनिवर्सिटीज़ में हम नेक्स्ट ईयर भी एडमिशन ले सकते हैं? यार जो सवाल है ना ये यूनिवर्सिटीज़ और आउट ऑफ द टॉपिक जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ, ये आप लोग बाद में पूछना, ये काफ़ी अनएथिकल बात होती है कि मैं एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आप लोग उसको छोड़ के डिफरेंट सवाल पूछ रहे हो। मुझे पहले भी गुस्सा आया था इस बात पर, लेकिन मैं गुस्सा नहीं कर रहा क्योंकि मूड मेरा अच्छा है, लेकिन जब मैं टॉपिक समझा रहा हूँ तो इस पर फोकस करो, बाकी जो सवाल है वो ग्रुप पर पूछ लेना या मैसेज कर लेना। तो कोई भी आप दो वैक्टर पिक करो, जैसे एक वैक्टर ए है एक वैक्टर बी है, इनका आपने प्रोडक्ट निकालना है, लेकिन अब आप निकाल रहे हो क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, तो दरमियान में क्या आया क्रॉस प्रोडक्ट, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला वही है जो आपने पढ़ा था उसके अंदर, बस इजाफा ये कि इसके अंदर साइन होता है, और ये एंड पे एक चीज़ होती है जो आप लोगों को मतलब शायद ना इतना समझ आए डीप में, मैं हल्का सा बता दूंगा, ये पूरा क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अब मसला पता है क्या है, ये जो एन लगाया हुआ है ना एन कैप, ये रीजन के तहत लगाया गया है, क्योंकि स्टूडेंट आमतौर पर मैंने कितने टीचर्स को कितनी बुक्स में देखा है वो इन लिखवाते हैं, वो इस तरह लिखा हुआ होता है, मेजॉरिटी जगह आप लोग भी इसके गवाह हो कि इस तरह लिखा होता है डॉट प्रोडक्ट, बुक्स में तो चीज़ फॉलो होती है लेकिन बताते इस तरह नहीं है, कोई इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। तो स्टूडेंट के जहन में सवाल आता है फिर, अगर मैं सिर्फ इतना लिखूं कि भाई है तो ये वेक्टर प्रोडक्ट, लेकिन इस पूरी चीज़ का आंसर तो कोई नंबर होगा, भाई मैग्नीट्यूड नंबर, ये वाला नंबर, साइन थीटा नंबर, तो वेक्टर कहाँ से आएगा फिर, तो दैट्स वाई ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट है अगर आप इस तरह एक्सप्लेन करोगे, ये एन कैप लगाना बड़ा जरूरी है क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर। रीजन मैं हल्की फुल्की बता देता हूँ, डिटेल में मैं नहीं जा रहा, कि अगर आपके पास, अच्छा एक पॉइंट रह गया था उससे रिलेटेड, वो वहां पे भी हम डिस्कस कर लेते हैं, कि दो वेक्टर के दरमियान एंगल जो है ना वो 0 हो सकता है, 180 हो सकता है, इसके दरमियान हो सकता है, 0 से कम नहीं हो सकता, 180 से ग्रेटर नहीं हो सकता, तो जो एंगल किसी भी दो वेक्टर के दरमियान है वो 0 और 180 डिग्री के दरमियान दरमियान रहता है, ठीक है, इस पॉइंट को जहन में रखना, क्योंकि भाई एक वेक्टर इस तरह है एक वेक्टर इस तरह है, तो 90 होगा अगर यहाँ पे आ गए तो एंगल लेट कर लो 150 हो गया,
यहाँ पे आ गया तो एंगल पूरा 180 डिग्री हो जाएगा, लेकिन अगर वो नीचे जाएगा तो उसके दरमियान एंगल ये वाला होगा ना, तो 180 से ग्रेटर कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्वाड्रेंट तो है नहीं कि आप इस तरह एंगल बना रहे हो, वो तो कॉन्सेप्ट को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं है, जस्ट मैं अभी दो वेक्टर की बात कर रहा हूँ, तो दो वेक्टर के दरमियान एंगल जो है वो हमेशा 180 से कम कम होगा और जीरो से बड़ा बड़ा होगा, जीरो और 180 भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी रीजन समझ लो, बेसिकली जो आप ये मालूम करते हो ना, क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, इसके लिए एक रूल भी होता है, आई गेस मैं जरा देख लेता हूँ, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। हाँ, इसके लिए राइट हैंड रूल, ये कौन सा आता है, हाँ राइट हैंड रूल है ना, रूल ये होता है कि भाई जो ए वेक्टर है, पहला वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन में आप ये वाली फिंगर करो, दूसरे वाले वेक्टर की डायरेक्शन में ये फिंगर, ये जो थंब है ना, ये आपको उस वेक्टर की डायरेक्शन बताता है जो इनके परपेंडिकुलर होता है। कहने का मतलब ये कि जब आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो, तो अभी मैंने बताया था रिजल्ट में क्या मिलता है, एक वेक्टर मिलता है, वो जो वेक्टर होता है ना वो इनके परपेंडिकुलर होता है, इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर ये वाला वेक्टर होता है, ये जो मेरा थंब है आपको दिखने में लग रहा है, इन दोनों वेक्टर के ये परपेंडिकुलर है। तो करते क्या है हम, ये जो एन कैप लगाया हुआ होता है ना, आपको पता है कि यूनिट वेक्टर को आप किस तरह लिखते हो, जैसे एक वेक्टर ए है, उसका यूनिट वेक्टर बराबर होगा वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, सही होता है ना। तो अगर मैं वेक्टर को लिखना चाहूं तो मैग्नीट्यूड को यहां पे ले जाऊंगा मैं, तो अगर आप किसी मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास वेक्टर आ जाता है ना, वही काम यहां पे किया हुआ है, इस पूरे मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया हुआ है, दैट्स व्हाई आपके पास यहां पे वेक्टर आता है। तो ये जो एन कैप है ना, ये फालतू नहीं है, इसी की पूरी अहमियत है, ये इस मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई होता है तभी आपको रिजल्ट में एक वेक्टर देता है। बस इस डिस्कशन को इतना ही रहने देते हैं, वरना हमारे बाकी पॉइंट मिस हो जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने क्या याद रखनी है कि डॉट जो क्रॉस प्रोडक्ट है, इसके रिजल्ट में वेक्टर आता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो वेक्टर आता है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, ये दो बातें अभी फिलहाल याद रखनी है। अच्छा जी, अब वो वेक्टर की डायरेक्शन में बना सकता हूं, लेकिन वो मतलब मुझे आती नहीं, मतलब आउट किस तरह बनाऊंगा मसला हो जाएगा, तो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया कि वो आउट इस तरह बना हुआ होता है, परपेंडिकुलर होता है इसके, ठीक है। अच्छा जी, अब ये सवाल ये कि अगर आप इस डॉट प्रोडक्ट का जब मैग्नीट्यूड निकालोगे ना, तब ये हट जाएगा, मतलब अगर मैं इस फॉर्मूले को इस तरह लिखूं, अब आप ये चीज नहीं लिखोगे। उसकी रीजन ये है कि जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है ना, दैट्स व्हाई ये हट जाएगा। तो अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्मूले में ये मैग्नीट्यूड देखो, तो मैग्नीट्यूड का ये पूरा फॉर्मूला होता है, उसके अंदर फिर आप एन कैप नहीं लिख रहे होते। अच्छा, एन कैप का मतलब होता है कि जो परपेंडिकुलर वेक्टर है ना, उसकी डायरेक्शन में ये वाला वेक्टर होता है। एन कैप जो नजर आ रहा है ना आपको, तो ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर आता है ना, उसकी डायरेक्शन में ये वेक्टर होता है, ठीक है। बहरहाल, तो अगर आप यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाल लो, तो अब आपके पास ये सिंपल सा फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। और अगर आप यहाँ से साइन निकालना चाह रहे हो, तो इस पूरी चीज को डिवाइड कर दो। ये फॉर्मूला आपने अपने 9.5 में पढ़ा होगा, ये बहुत ही मशहूर सवाल है जो आपके बोर्ड में आता है। अब तो खैर आप लोगों का वास्ता खत्म हो गया बोर्ड से, लेकिन सवाल काफी मशहूर है, आपके बोर्ड एग्जाम में आता है कि आपको दो वेक्टर दे दिए जाते हैं और आपको बोला जाता है कि साइन थीटा निकालो उसका। तो आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, मैग्नीट्यूड निकालो, डिवाइड कर दो दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, ठीक है। इस तरह भी आप लिख सकते हो और इसको इस तरह भी लिख सकते हो, जैसे मैंने डॉट प्रोडक्ट में बताया था। इसका मतलब भी वही है कि ए बी के दरमियान जो एंगल बन रहा है, तो आप थीटा लिखो या आप लिखो ए कॉमा बी, बात एक ही होती है। अब ये है क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला, जब आपके पास ए गिवन है, बी गिवन है, एंगल गिवन है, तो आप क्रॉस प्रोडक्ट इस तरह निकाल लोगे। लेकिन अगर आपको सब चीजें ना गिवन हो, आपको जस्ट दो वेक्टर गिवन हो और आपको बोला जाए क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, तो इसका भी फिर कंपोनेंट वाला फॉर्मूला है, जैसे डॉट प्रोडक्ट का था ना, इसका भी कंपोनेंट का होता है। तो इसका कंपोनेंट का क्या होता है जरा वो देख लेते हैं कि डॉट प्रोडक्ट निकालने की एक और टेक्निक ये होती है कि आप इस डिटरमिनेंट को कैलकुलेट करते हो। डिटरमिनेंट क्या है, आई जे के ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री, वेयर ये ए वन ए टू बी वन बी टू क्या है कि जो वेक्टर ए है ना उसके तीनों कंपोनेंट, वेक्टर बी के तीनों कंपोनेंट, आप इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे तो रिजल्ट में आपके पास एक वेक्टर आ रहा होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट इस तरह भी निकाल सकते हो और क्रॉस प्रोडक्ट इस तरह भी निकाल सकते हो, लेकिन 99.99 जगह पे 99.99% जो भी आप एमसीक्यूज देखोगे उसमें क्रॉस प्रोडक्ट इस फॉर्मूले से निकाला होगा, क्योंकि यही फॉर्मूला यूज हो रहा होता है डेटा के हिसाब से।
मेरे ख्याल में यूज तो करना आता होगा आपको, कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं पहली दफा करवाऊंगा। आप कंपोनेंट लिखोगे फिर आप R1 से एक्सपेंड कर देना, या किसी और से करना चाह रहे हो किसी और से कर देना, लेकिन इससे करो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, आसानी से कर पाओगे, वरना जे अजीब सा हो जाएगा दरमियान में आ जाएगा कहीं। तो आप R1 से एक्सपेंड करोगे, सॉल्व करोगे, आपके पास एक वेक्टर आ जाएगा। और फिर अगर आप उसका मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहे हो तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका वही है कि पहले आप इससे वेक्टर निकालना, जो वेक्टर आए फिर वही करना, स्क्वायर रूट लगाना आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर। ठीक है, कोई सवाल यहां तक? अब कुछ पॉइंट्स हैं यहां पे भी देख लो, जैसे अगेन आपने देखा कि यहां पे साइन है, ठीक है। अब अगर साइन क्रॉस प्रोडक्ट अगर आपने जीरो करना है तो कब करोगे? कि जब वेक्टर पैरेलल है, क्योंकि आपको पता है जब वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। और आपको पता है साइन जीरो क्या होता है? 0 के बराबर होता है। तो जब वेक्टर पैरेलल है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? 0 के बराबर होता है। ठीक है, इसी तरह आप बाकी केस भी डिस्कस कर सकते हो। अगर परपेंडिकुलर होंगे तो डॉट जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा, क्योंकि देखो अगर आपके पास दो वेक्टर हैं और एक और दो वेक्टर हैं, आप दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे, दोनों के रिजल्ट में वेक्टर आ रहा होगा, इसके रिजल्ट में वेक्टर आया, उसके रिजल्ट में वेक्टर आया, वेक्टर को आपस में कंपेयर करोगे क्या? आप क्या बोल सकते हो ये वेक्टर बड़ा है ये वेक्टर छोटा है? अगर आपके पास कोई भी दो वेक्टर गिवन है, आप बता सकते हो कि ये वाला वेक्टर छोटा है ये वाला वेक्टर बड़ा है? कैसे बताओगे? ठीक है, कैसे बताओगे? जब आप मैग्नीट्यूड निकालोगे। तो मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट चीज होती है। जैसे आपके पास मैग्नीट्यूड आ गया, अब आप बता सकते हो यार ये वाला वेक्टर बड़ा है ये वाला वेक्टर छोटा है। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो मैक्सिमम कब होगा? जब साइन 1 के बराबर हो जाए। और साइन 1 कब होता है? जब 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में जो आपके पास वेक्टर आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम उस वक्त होगा जब आपके पास एंगल जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। तो अब उसका मैग्नीट्यूड जो है वो हो जाएगा, अल्लाह भला करे, मैक्सिमम। ए भी लिख दो या इस नोटेशन में लिख दो, बात एक ही है, यही केस है। और देखो 180 डिग्री अगर होगा तो 180 डिग्री पे भी साइन जीरो होता है। तो अगर पैरेलल हो या 180 डिग्री एंगल हो, जीरो एंगल हो या 180 डिग्री एंगल हो, दोनों के केस में क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, क्योंकि साइन जीरो भी जीरो है, साइन 180 डिग्री भी जीरो होता है। ठीक है, तो ये दो केसेस यहाँ पे डिस्कस कर लिए। तो मिनिमम इस वाले केस में हो जाएगा जीरो और मैक्सिमम इस वाले केस में हो जाएगा, क्योंकि असल में साइन जो है वो फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव ही रहता है। तो तभी क्रॉस प्रोडक्ट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। डॉट प्रोडक्ट में हो सकता है, डॉट प्रोडक्ट में बिल्कुल नेगेटिव आ सकता है, और आप उसमें देखोगे भी कितने वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा होता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के साथ ये सीन नहीं होता। हाँ यही है। ठीक है, अब जैसे आपने आई जे के का पढ़ा था, यहाँ पे भी देख लेते हैं कि अगर आपके पास, अच्छा यहाँ पे जैसे वहाँ पे आपने पढ़ा था ना कि अगर डिफरेंट यूनिट वेक्टर हैं आई जे के डिफरेंट हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता था, यहाँ पे उल्टा होता है। अगर यहाँ पे सेम है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, मतलब अगर आप आई क्रॉस आई निकालो या जे क्रॉस जे निकालो या के क्रॉस के निकालो, ये जीरो के बराबर होता है। उसकी रीज़न ये होती है कि भाई ये दोनों वैक्टर पैरल है ना, आई और आई का एंगल क्या होगा? जीरो एंगल होगा, साइन जीरो क्या होता है? जीरो के बराबर, तो क्रॉस प्रोडक्ट को वो जीरो कर देगा। तो बस आप इतना याद कर लो कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट में सेम वेक्टर हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो के बराबर होगा, और अगर डिफरेंट हैं तो फिर लाइफ इतनी ईजी नहीं है आपकी। उसके लिए आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, वो चीज़ क्या है कि इनका ऑर्डर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। कंसिडर कर लो आई जे के, एंटी क्लॉकवाइज ये रोटेशन होती है, मतलब इस तरह बोला जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। मतलब क्या है इसका, लेट कर लो अगर आपके पास आ जाए आई क्रॉस जे, उससे पहले एक और चीज नोट कर लो यहाँ पे कि जैसे मैंने बताया था ना डॉट प्रोडक्ट में, कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, मतलब उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप ए डॉट बी निकालो या बी डॉट ए निकालो, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में करता है। क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, तो क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता, इसमें ऑर्डर मैटर करता है। तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते, तो सवाल ये कि फिर क्या होते हैं, ये होते हैं माइनस। मतलब अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी निकालो
और अगर आप उनकी पोजीशन चेंज कर रहे हो तो फिर नेगेटिव आ जाएगा। जैसे ए क्रॉस बी की आपने पोजीशन चेंज की, आपने बी क्रॉस ए लिखा तो उसके साथ नेगेटिव आ गया। तो ए क्रॉस बी हमेशा बराबर होता है माइनस टाइम बी क्रॉस ए, लेकिन डॉट प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता। डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए के, उसमें कोई माइनस माइनस का चक्कर नहीं होता। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आपको नजर आएगा कि अगर आप आई जे लिख रहे हो, अब ये बाकायदा एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन है, आई और फिर जे, मतलब आप जे आई नहीं कर रहे, आप आई जे कर रहे हो, ठीक है, एंटी क्लॉक वाइज आ रहे हो, तो इसका आंसर क्या होगा? तीसरे वैक्टर के बराबर, के बराबर। कोई और करते हैं, जैसे लेट कर लो जे के, अब अगेन ये एंटी क्लॉक वाइज है, जे के जा रहे हो तो तीसरा वेक्टर क्या आई, ये आई के बराबर हो जाएगा। इसी तरह अगर आप के क्रॉस आई आ रहे हो तो ये बराबर हो जाएगा जे के। तो अभी आप एंटी क्लॉक वाइज गए हो, अगर आप क्लॉक वाइज करोगे तो फिर माइनस आएगा। जैसे अगर मैं बोलूं जे क्रॉस आई, मतलब पहले आप आई जे गए थे, अब आप जे आई आ रहे हो, तो अब ये बराबर तो के होगा लेकिन माइनस के होगा, क्योंकि आपने इसकी रोटेशन जो है वो क्लॉक वाइज कर दी है। इसी तरह J क्रॉस K I के बराबर था, K क्रॉस J क्या हो जाएगा? माइनस I के बराबर हो जाएगा। और इसी तरह K क्रॉस I J के बराबर था तो I क्रॉस K जो है वो माइनस J के बराबर हो जाएगा, क्योंकि I क्रॉस K ये क्लॉकवाइज रोटेशन बन जाएगी तो ये माइनस J के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट में 9 चीज़ें आपको याद रखनी होती हैं। डॉट प्रोडक्ट में 6 चीज़ें बताई थी, क्रॉस प्रोडक्ट में 9 चीज़ें हैं। क्लियर है बात यहाँ तक? कोई सवाल, कोई इशू? क्लियर है? पढ़ा हुआ होगा आपने, को नई चीजें नहीं है आपके लिए। दो फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। असल में मैं इस पूरे बोर्ड पे क्रॉस प्रोडक्ट लिखवाना चाह रहा हूँ, बस दो पॉइंट आखिरी रह गए। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालोगे? अगर आपके पास दो वैक्टर आ रहे हैं तो दो वैक्टर पैरेललोग्राम बना सकते हैं। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट होता है जो मैंने डिस्कस नहीं किया, इतना काम नहीं होता, मैं एंड पे चलो फॉर्मूला बता दूंगा, वो वेक्टर की एडिशन थी। आपको याद हो वेक्टर को हम एडिशन कर सकते थे, ट्रायंगल रूल होता था, एक पैरेललोग्राम रूल होता था, इस तरह आप वेक्टर्स को ऐड सबट्रैक्ट कर सकते थे। तो उसमें आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था फ्री वेक्टर का, वो फ्री वेक्टर क्या होता था? जैसे अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, यहीं पे जो मैंने बनाया हुआ है, लेट कर लो एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, तो इनसे आप एक पैरेललोग्राम बनाते थे। कैसे? आप फ्री वेक्टर बनाते थे। फ्री वेक्टर वो वाला वेक्टर होता है कि जिसकी डायरेक्शन आप कहीं भी ले सकते हो, ठीक है, मतलब जिसको आप डिस्प्लेस कर सकते हो। अब अगर मुझे ए का फ्री वेक्टर निकालना है ना, तो उसके लिए एक बात फिक्स क्या रहेगी कि वो ए की डायरेक्शन में ही होगा। अब ऊपर बना लो, नीचे बना लो, साइड पे बना लो, डायरेक्शन यही रहेगी, एरो मतलब इसी तरह रहेगा। तो ए का फ्री वेक्टर मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ये ए का फ्री वेक्टर है, सेम डायरेक्शन है, जगह आप अपनी आसानी से चूज कर लो, आप इसको इधर बना सकते हो, ऊपर कहीं नीचे बना सकते हो। इसी तरह बी का एक फ्री वेक्टर निकालो, ये बी का एक फ्री वेक्टर है, तो ए का फ्री वेक्टर, बी का फ्री वेक्टर, तो इस तरह आपके पास एक पैरेललोग्राम बन जाया करता था। तो ये जो पैरेललोग्राम है, अगर आपने इसका एरिया निकालना हो तो किस तरह निकालोगे? उसका फॉर्मूला होता है ये वाला कि आप बस क्या करना है, आपने क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है और मैग्नीट्यूड निकाल लेना। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, उसके बाद उनका मैग्नीट्यूड मालूम करो, तो आपके पास क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। और अगर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने को बोला जाए, ये ट्राइंगल भी तो बनेगा ना एक, लेट कर लो मैं इसको इस तरह कर देता हूँ, तो अब ये वाली चीज़ पूरी ट्राइंगल बन रही है एक। तो अगर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना हो तो किस तरह निकालोगे? बस इस फॉर्मूले को आप 2 से डिवाइड कर दोगे। ये मैं लिखवा देता हूँ कहीं पे ताकि आपके पास मौजूद रहे, मैं ऊपर यहाँ पे लिखवा देता हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला है उसको बस आपने 2 से डिवाइड करना है। ये पूरा फॉर्मूला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का था, जो भी आपके पास आए उसको 2 से डिवाइड कर दो तो आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। ये फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है और निकालने को भी बोला जा सकता है। आपको कोई भी दो वेक्टर दे देंगे, बोलेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालो, तो आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, मैग्नीट्यूड निकालना, आपके पास एरिया आ जाएगा, और ट्राइंगल के लिए आप 2 से डिवाइड कर दोगे।